हाल ही में Hyundai ने क्रेटा को अपडेट करके इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इसमें Hyundai ने कुछ फीचर हटाए भी हैं तो इसके अंदर कुछ फीचर जोड़े भी गए हैं। मुझे इस बात को दुख नहीं है कि इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, मुझे तो इस बात का दुख है कि इसकी प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी इसके बेस ई में कई फीचर्स हटा दिए गए हैं। मतलब कि एक तो प्राइस इंक्रीज किया और फीचर भी कम कर दिए, अपनी क्रेटा में सिल्वर स्केट पेट हटा दी, चलो हमने वो भी साइन कर लिया। तुम लोगों ने इसके अंदर से कूल ग्लव बॉक्स भी हटा दिया, चलो ठीक है हमने वो भी साइन कर लिया। पर अब तो हद ही कर दी, सारे तो बेसिक फीचर हटा दिए, और क्या कर सर बाकी है अब। तुम क्या प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी हटा दो, अब DRL भी हटा दो। मतलब कि हम लोग 12 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और तुम सारे सारे एस्प्रेसो वाले फीचर दे रहे हो, थोड़ी तो शर्म कर लो Hyundai। एक तो इसके बेस ई मॉडल में पैसेंजर के पीछे मिलने वाली सीट पॉकेट हटा दी, हाइक मिलेगा क्या तुम लोगों को। फेंडर पर इंडिकेटर दे दिया, डिग्गी वाली लाइट हटा दी, और इससे भी बड़ी बात 2 कौड़े का घटिया से डंडी दे दी। भाई 12 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, 5 लाख की क्विड नहीं ले रहे, और कितनी कॉस्ट कटिंग करोगे भाई। आने वाले समय में इसके बेस मॉडल में एक कलर ऑप्शन भी दे देना, और क्या करोगे। मतलब पूरा फ़ायदा उठा रहे हो, क्रेटा का ए वेरियंट बिकने लगा तो फीचर हटा दिए कि लोग इसके ESX मॉडल की तरफ जाएं। वाह भाई क्या मस्त मार्केट स्ट्रैटेजी सोची है तुम Hyundai तुमने। भाई इससे बढ़िया तो क्या सेल्टॉस है, कम से कम उसके पीछे बैक सीट पॉकेट तो मिल जाती है बेस वेरिएंट में, और रियर USB चार्जिंग तो मिल जाती है, तुम तो वो भी नहीं दे रहे। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। तो इसकी EX और S मॉडल में अब वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है। मतलब पहले आपको एंड्रॉयड ऑटो के लिए USB वायर से कनेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब इसको वायरलेस चला पाओगे। इसके S6 और उससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में अब आपको रिमोट इंजन स्टार्ट मिल जाता है, जो कि सिर्फ ऑटोमेटिक वर्जन में ही अवेलेबल है, जो कि पहले नहीं मिलता था, इसके अपडेटेड 2021 क्रेटा में मिलने लगा है। अब इसमें OTA अपडेट्स भी मिला करेंगे, और इसके डैशबोर्ड पर नाम की सॉफ्ट फिनिश दे दी। भाई पता नहीं यार क्या चलता है, समझ नहीं आता। भाई कम से कम बेस वेरिएंट के प्राइस तो सेम रख लेते, उसके प्राइस भी 13,000 रुपये बढ़ा दिए। 13,000 से 20,000 रुपये बढ़ चुके हैं अब इस गाड़ी के प्राइसेस इन गिने चुने फीचर्स के लिए। इसमें 1.4 लीटर पेट्रोल टर्बो और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, 1.5 लीटर डीजल इंजन का भी ऑप्शन है। वैसे मुझे इसका ई वेरिएंट बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी लगता ही नहीं है, क्या आपका भी ऐसा मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। भाई क्रेटा के तो बेस मॉडल में सिर्फ स्पेस ही रहा है, मेरी तो रिकमेंडेशन यही होगी ई मॉडल लेने वाले बायर्स को, भाई ऐसा करो आप ना इससे बढ़िया ट्रक ले लो। ट्रक में क्या होगा, आपको ना स्प्रेस भरपूर मिलेगा, दूसरी चीज़ एक तो बिल्ड क्वालिटी का कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, और तीसरी चीज़ SUV का भी मज़ा से ऊपर वाला मज़ा देगी, पूरा मॉन्स्टर का मज़ा देगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना। बस इतना ही, धन्यवाद।